हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ एसीएफ फाइंड आउट करना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 6, 8 और 12 का। तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 6 के, फिर 8 के और फिर 12 के। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर जब भी फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं, हम लोग किसको कंसिडर करते हैं, लीस्ट नंबर को। हम कहते हैं कि हम यहाँ पर 2 ले सकते हैं कि नहीं, तो अगर तो ये नंबर 2 से डिवाइड होता है तो ही हम यहाँ पर 2 लेंगे ना, तो हम यहाँ पर 2 ले सकते हैं क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है। 2 के टेबल में 6 आता है, 3 जाए और 3 यहाँ पे ले लेंगे, 3 वन जाए 3 आ जाएगा। अब प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 8 के। अब हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं ना, यस ले सकते हैं क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है, 4 जाए और अगेन 2 यहाँ पे ले सकते हैं ना, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 जाए और 2 वन जाए। और अब इसके क्या प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 12 के, तो यहाँ पे हम 2 ले सकते हैं ना, 2 के टेबल में 12 आता है, 6 जाए, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 जाए और 3 वन जाए। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ, पहले हमने 6 के फाइंड आउट किए थे तो 6 लिखें इज इक्वल टू, इसके जो फैक्टर्स आए थे वो यहाँ पे लिख दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर्स ये आए हैं वो यहाँ पे लिख दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स हमारे पास ये आए हैं वो यहाँ पे लिख दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, हमने फैक्टर्स तो लिख लिए, अब हम क्या फाइंड आउट करें, एसीएफ फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे लिखें एसीएफ ऑफ 6 8 एंड किसका कर रहे हैं 12, तो 12 इज इक्वल टू, आप देखें एसीएफ कैसे फाइंड आउट होगा, देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन फैक्टर है ना, तो इसको इस तरह सर्कल कर लें, एक 2 कॉमन आ गया और 2 इधर है, इधर है लेकिन इधर नहीं है, एक और 2 यहाँ पे होता तो हमने कॉमन ले लेना था लेकिन अब हम नहीं ले सकते। इसी तरह 3 इधर है, इधर है, इधर नहीं है, तो हम कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि ये एसीएफ है, ये एलसीएम नहीं है। एलसीएम में ऐसा होता है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी, कि इधर है, इधर है, इधर नहीं भी है तो कॉमन हम ले लेते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी बताती हूँ, पहले इसकी तरफ आ जाएं कि हमारे पास आंसर क्या आएगा। 2 ही सिर्फ ऐसा कॉमन निकल रहा है, कॉमन फैक्टर है जो तीनों में है, तो वो ही कॉमन लेना है एसीएफ में, तो सिर्फ 2 ही ऐसा है जो तीनों में है, तो हमने कह दिया क्या एसीएफ आया 6, 8 और 12 का 2। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं। ये देखें एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में करने तो प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड आउट हैं, जैसे 27 के पहले कर लिए, फिर 54 के, फिर 90 के कर लिए, उसके बाद प्राइम फैक्टर्स इसी तरह जिस तरह उधर लिखे हुए हैं लिख के। ठीक है, फिर आप कॉमन, अब देखिए कॉमन 2 इधर है, इधर है, इसमें नहीं भी था तो हमने कॉमन ले लिया, ये मैंने आपको बात बताई थी कि एलसीएम में हम क्या करते हैं कि इधर है, इधर है, इधर नहीं भी था तो कॉमन ले लिया। ठीक है, और 3 तो तीनों में था वो तो लेना ही था, इसी तरह 3 इधर है, इधर है, इधर नहीं भी है तो हमने फिर भी कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, समझ आया, तो एलसीएम में ऐसा होता है, 2 में भी है तो हमने कॉमन ले लेना है। तो देखिए अब जो कॉमन आ रहा है उसको एक एक दफ़ा सबको लिख लिया, अब ये नॉन कॉमन था तो उसको भी लिखना और मल्टीप्लाई करके फिर हमारे पास आंसर आना है एलसीएम का। ठीक है, तो ये डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि मैं आपको बता रही थी ना कि इसमें ये डिफरेंस होता है, तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, मैंने इस पर भी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। और अभी हमने जो ये किया है, ये क्या है हमारे पास एसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपने मिक्स नहीं करना कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है। इसमें एक तो ये डिफरेंस है कि इस तीनों में होगा जो सिर्फ वही कॉमन लेना है। ठीक है, और उसमें ये होता है कि 2 में भी अगर आ रहा है तो हमने कॉमन, जैसे आ रहा है तो हमने कॉमन ले लेना है। ठीक है, और कॉमन नॉन कॉमन दोनों को लिख के मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो कॉमन है वो भी तीनों में सिर्फ वो कॉमन हमने लेना है, और अनकॉमन को यहाँ पे, नॉन कॉमन को सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, मैंने आपको अच्छे से क्लियर बता दिया है, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।